दोस्तों हम सबको जो है बैंकिंग चलाने के लिए CSP हो या फिर CSC के अंदर आपको बैंकिंग चलाने के लिए आपको जो है IIBF का एग्ज़ाम जो है क्लियर करना पड़ता है। जब भी आप CSP के लिए किसी बिजनेस करस्पोंडेंस ऑफिस जाते हो तो दोस्तों सबसे पहले आपको यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि क्या आपके पास इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग एंड फाइनेंस का एग्ज़ाम क्लियर है। अगर है तो दोस्तों आपके लिए बहुत ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं आपको एक CSP दिलाने के लिए। ठीक है, तो आज मैं आपको बताऊँगा IIBF का एग्ज़ाम हम ऑनलाइन कैसे कर सकते हैं, जो कि एग्ज़ाम होता है एंट्रेंस के लिए, तो उस एंट्रेंस के लिए हम ऑनलाइन कैसे अप्लाई कर सकते हैं और उसके बाद हम एग्ज़ाम देने कैसे जा सकते हैं। सबसे पहले दोस्तों आपको IIBF के ऑफिशियल वेबसाइट पे आना है। मैं आपको शुरू से समझा देता हूँ, ठीक है। सबसे पहले आपको जाना होगा गूगल पे, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। गूगल पे जाने के बाद आपको इधर टाइप करना होगा IIBF। IIBF टाइप करने के बाद आपको इधर नज़र आ जाएगा एक लिंक जिसको आपको क्लिक करना होगा। इधर देखिए दोस्तों इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग एंड फाइनेंस लिखा है, आप देख सकते हो। इसके नोटिफिकेशन को आपको ऑफ करना होगा। इसके बाद दोस्तों आपको कोई भी ऑप्शन को छूना नहीं है, बस आपको इधर एक नज़र आएगा BC/BF, तो हमको इधर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद सबसे पहला ये ऑप्शन है शेड्यूल ऑफ BC/BF एग्ज़ाम। ठीक है, हम इधर क्लिक ऐसे ही मतलब इसलिए क्लिक करेंगे ताकि हमको सबसे पहले देखना है कि कौन सी डेट में हम अप्लाई कर सकते हैं। देखिए दोस्तों अभी आज का डेट है 21/12, ठीक है, तो 21/12 में यहाँ पर देखिए दोस्तों एग्जामिनेशन डेट, यानी कि इस डेट में एग्ज़ाम होने वाले हैं, और ओपनिंग पीरियड ऑफ रजिस्ट्रेशन यानी कि इस डेट से इस डेट के अंदर आपको रजिस्ट्रेशन अगर करते हैं तो ये डेट को आप एग्ज़ाम देने जा सकते हैं। ठीक है, तो हम सबसे पहले देखते हैं एग्जामिनेशन डेट कौन सा है। दिसंबर महीने का देख लेते हैं, अभी तो 21 चल रहा है, तो आज ही के दिन एक एग्ज़ाम हो रहा है दोस्तों, जिसका रजिस्ट्रेशन था 16/11 से 31/11 के बीच में, वो कंप्लीट तो हो चुका है। 21/12 हम नहीं कर सकते। इसके बाद देखेंगे 4/1 को है, 4 जनवरी 2020 को है, तो हम देखेंगे 1 दिसंबर से लेके 15 दिसंबर तक ही था, तो अभी तो जैसे क्रस हो चुका है 21/12 हो चुका है, तो हम नेक्स्ट देखेंगे 16/12 से लेके 21/12 के बीच अगर आप ऑनलाइन करते हैं तो आपको जो है 18 जनवरी 2020 को आपको जो है एग्ज़ाम देने का मौका मिल सकता है एडमिट कार्ड के साथ। तो चलिए हम इसी डेट के ऊपर हम रजिस्ट्रेशन करते हैं। ठीक है, अगर ऑटोमेटिकली हो जाएगा तो आपको जैसे कि 21/12 है, अगर आप आज रजिस्ट्रेशन करते हैं तो इस डेट में ऑटोमेटिकली आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। अदरवाइज आपका जैसे जो डेट में करते हैं उस डेट के बीच में जो डेट आप करेंगे वैसे ऑटोमेटिकली आपको कोई सेलेक्ट करना नहीं पड़ता, बस आपको ऑनलाइन करना होता है। ठीक है, तो आज है 21 तारीख, तो आज 21 तारीख मतलब इसके बीच में है, तो ये ऑटोमेटिकली आपका एग्ज़ाम यहाँ हो जाएगा। ठीक है, तो हम सबसे पहले जाते हैं BC के आपकी IIBF मेन वेबसाइट पे, और इधर हम क्लिक करेंगे दोस्तों BC/BF, और इधर एक ऑप्शन है दोस्तों 3 नंबर पे अप्लाई नॉन मेंबर। अप्लाई मेंबर इसलिए है कि अगर आपने इससे पहले और एक एग्ज़ाम दिया था और फेल हो गए थे तो आप इधर क्लिक करके अपना ईमेल अपना जो ID पासवर्ड है उधर दे सकते हो, अदरवाइज आप अप्लाई नॉन मेंबर पे क्लिक कर सकते हो। ठीक है, तो अप्लाई नॉन मेंबर इधर ही क्लिक करना होगा। अगर आप पहले ही ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन नंबर से रजिस्ट्रेशन किए हो तो इधर आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर देके कैरेक्टर देके आपको सबमिट करना होता है, लेकिन आप सबसे पहली बार कर रहे हो तो आपको नीचे आना होगा, इफ़ यू हैव नॉट रजिस्टर्ड क्लिक हियर टू रजिस्टर, आपको लास्ट जो ऑप्शन है दोस्तों आपको इधर क्लिक करना होगा। इधर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपका एक पेज ओपन हो जाएगा जो कि फॉर्म आ गया, मैं आपको फुल फिलअप करके दिखाऊंगा। ठीक है, ये वाला है फॉर्म, तो कैसे पैसे कटता है सारा कुछ बताऊंगा। तो इधर पैसे का भी देख लेते हैं एक बार, हम BC/BF पे जाएंगे और शेड्यूल ऑफ BC/एग्ज़ाम पे देंगे कितना पैसा कट रहा है अभी। तो जो लोग फेल हो गए थे उसके लिए भी अलग पैसा होता है, और जो लोग फर्स्ट टाइम दे रहे हो IIBF एग्ज़ाम उनके लिए भी अलग पैसा होता है। ठीक है, तो हम पहले सबसे पहले देख लेते हैं उसका रेट क्या है कि हम ऑनलाइन करेंगे तो कितना पैसे कटेगा। ये पेज को ओपन होने देते हैं, नेट थोड़ा स्लो है, तो सबसे पहले नेट कट गया क्या चल रहा है, तो सबसे पहले हम ऑनलाइन फिलअप कर लेते हैं सबसे पहले, वो बाद में देखेंगे कितना पैसा कटता है। फर्स्ट नेम दोस्तों आपका श्री श्रीमती जो भी है मिस्टर आप दे सकते हो और अपना नाम लिख सकते हो। उसके बाद दोस्तों नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद उसका एड्रेस, जिस बंदे का आप कर रहे हो, खुद का भी अगर कर रहे हो तो अपना एड्रेस दीजिए। एड्रेस ऐसा दीजिए कि आपको फुल समझ में आए, 3 लाइन में ऐसा दीजिए। उसके बाद दोस्तों जो स्टार मार्क होगा आपको जो है कंपल्सरी भरना होता है, और बाकी को आप छोड़ सकते हो। स्टेट सेलेक्ट कीजिए, आपका जो भी स्टेट है
और पिन कोड दीजिए इधर। अभी आपका डेट ऑफ बर्थ दीजिए, जेंडर सेलेक्ट कीजिए, क्वालिफिकेशन आपका कितना है, ग्रेजुएट है, पोस्ट ग्रेजुएट है, अंडर ग्रेजुएट है, प्लस टू है तो आप अंडर ग्रेजुएट कर सकते हो। प्लीज़ स्पेसिफाई, आपको इधर क्लिक करना है। और बैचलर अगर आप ग्रेजुएट है तो कौन से पे, आर्ट्स पे हो, साइंस पे हो या फिर कॉमर्स पे हो, जो भी कर रहे हो आप उससे सेलेक्ट कर सकते हो। मैं बी ए सेलेक्ट कर लेता हूँ। अपना ईमेल आईडी आप दे सकते हो इधर। इसके बाद मोबाइल नंबर, मोबाइल नंबर देने के बाद आपको आधार नंबर देने की ज़रूरत नहीं है, आधार कार्ड स्कैन होता है तो आधार नंबर और जो कि मैंडेटरी नहीं है तो हम इधर छोड़ देंगे, अगर आप दे सकते हो तो दे दीजिए। इसके बाद दोस्तों आपको अपलोड योर स्कैन फोटोग्राफ, तो हम उस पर फाइल पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हम फोटो सेलेक्ट करेंगे, इसके बाद स्कैनिंग आपका होगा, ये सॉरी सिग्नेचर होगा, ठीक है। सेलेक्ट आईडी प्रूफ, आपका डीएल आईडी कार्ड इशू बाय एम्प्लॉयर विथ फोटो एंड सिग्नेचर ऑफ एम्प्लॉई, पान कार्ड, पासपोर्ट, तो हम पान कार्ड पे क्लिक करेंगे और अपना पान नंबर दे देंगे। इसके बाद दोस्तों आपका अपलोड योर आईडी प्रूफ, आप जो आईडी प्रूफ दे रहे हो पान कार्ड का, उसी पान कार्ड का आपको जो है हेलो इधर फिलअप करना होगा, आपका फाइल अटैच करना होगा। तो आप देख सकते हो जो फोटो और सिग्नेचर मैंने डाला हूँ तो इधर सब कुछ उसका डिटेल्स लिखा है कि कितना हाइट है, कितना वेट है। आप फोटो सब अगर आपको आता है तो उधर से देख सकते हो, नहीं तो पेंट पे भी होता है। मीडियम आप देख सकते हो, देखिए इधर ऑटोमेटिक आ चुका है। एग्जामिनेशन डेट आपका 18 जनवरी। मीडियम आप इंग्लिश जो भी आपका देख सकते हो। सेंटर आप चूज़ कर सकते हो कौन सा है। ISF पे क्लिक करके आपको जो है ये वाला जो कैप्चा है इधर आपको फिलअप करना होता है, ठीक है। QBHKG प्रीव्यू एंड प्रोसीड फॉर पेमेंट, हम किधर क्लिक करेंगे। आप सब कुछ ठीक है बोल के ये SMS आ रहा है तो आपको कन्फर्म पे क्लिक करना होगा। दोस्तों आप देख सकते हो मैंने सारा कुछ फिलअप कर लिया हूँ, अभी मैं नेक्स्ट पे प्रोसीड फॉर पेमेंट पे क्लिक करूँगा। तो दोस्तों यही था, यही है और कुछ होना नहीं है। आपको जो है पे नाउ पे क्लिक करके आपको जो है नेक्स्ट प्रोसेस तो मैंने बता दिया आपको, बस इधर से आपको जो है आपको इंटरनेट बैंकिंग या फिर डेबिट कार्ड से ऑनलाइन कर सकते हो। मैं इधर आपको पैसे दिखा देता हूँ कितना है। देखिए दोस्तों पहले टाइम अगर आप पैसा देते हो और एग्ज़ाम देते हो तो सबसे पहले आपको जो है मेंबरशिप सेम ही है, 800 रुपये देने होते हैं। अगर आप सेकेंड टाइम, वैलिडिटी पीरियड 120 डेज, यानी कि 4 महीने के अंदर अगर आप एक बार फेल हो जाते हो तो नेक्स्ट टाइम अगर आप करते हो तो 400 रुपये कटेगा, अदरवाइज आपका 800 रुपये ही कटेगा सबसे पहले। तो इतना ऑनलाइन करने के बाद दोस्तों आपका जो से एग्ज़ाम था आपका कितना, 18 तारीख को, 18 तारीख की बिफोर 7 डेज आपको एक मैसेज आ जाएगा कि आपको IIB आपका एग्ज़ाम हो गया है, सेंटर फिक्स हो चुका है, आपका एडमिट कार्ड जो है हमने आपकी ईमेल आईडी पे सेंड कर दिया, या फिर आप खुद से भी रजिस्ट्रेशन नंबर देके इधर जाके आपको जो है अप्लाई नॉन पे मेंबर क्लिक करके अपना जो रजिस्ट्रेशन नंबर जनरेट होगा वो नंबर देके ये कैप्चा देके सबमिट करने के बाद आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हो और अपने हिसाब से IIBF का एग्ज़ाम दे सकते हो। दोस्तों IIBF में एग्ज़ाम में क्या क्या आता है फुल सिलेबस जानने के लिए आपको नीचे कमेंट करना है।